नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते हटाते नीतीश की कुर्सी भी ले लेगी, तेजस्वी बोले, इसी डर में जी रहे हैं सुशासन बाबू। भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक कई राज्यों में अपने ही मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटाकर नए चेहरों को जिम्मेदारी दे डाली है। ताजा मामला गुजरात का है, जहां विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी के इसी सियासत में बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बिहार में बीजेपी के विरोधी अब नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते हटाते अब नीतीश कुमार की कुर्सी भी ले लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जिस तरह अलग अलग राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर रही है, उसे देखकर लगता है कि उसने नीतीश कुमार की भी कुर्सी हथियाने की प्लानिंग कर रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार इसी कारण इन दिनों परेशान है। नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी बिहार में भी नेतृत्व परिवर्तन न कर दे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या बेहद कम है, जेडीयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में वह बीजेपी के फैसले के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है। अक्टूबर से भारत में लगनी शुरू होगी सिंगल डोज वैक्सीन, भारत सरकार ने दी मंजूरी। जानिए कितना प्रभावी है ये टीका। अब तक भारत में लगने वाले कोरोना का हर टीका या वैक्सीन का डबल डोज लगवाना पड़ रहा था, लेकिन अक्टूबर से देश में सिंगल डोज की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने इस वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन का दाम भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। भारत सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के ब्रिजिंग ट्रायल के फेज 3 को मंजूरी दे दी है। हम आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं कि ब्रिजिंग ट्रायल होता क्या है। दरअसल कोई दवा या टीका अगर दूसरे देश के निवासियों पर सफल साबित हो चुका है, तब ये भी देखा जाता है कि हमारे देश की परिस्थितियों में लोगों पर वह किस हद तक कारगर होगा। केंद्र सरकार ने स्पुतनिक लाइट का ब्रिजिंग ट्रायल कराने को कहा है। एक महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि अक्टूबर से ये वैक्सीन भारत में लगनी शुरू हो जाएगी। भारत सरकार की संस्था ट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली रूस की कंपनी के भारत में पार्टनर्स हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मांगी थी। फेज 3 का ट्रायल ही ब्रिजिंग ट्रायल होता है। इससे पहले रेड्डीज लेबोरेटरी ने स्पुतनिक लाइट से संबंधित दूसरी सारी जानकारी यानी कि सेफ्टी, इम्यूनोजेनेसिटी और एफिकेसी डाटा जमा किया था। सारे कागजातों को मिलाने के बाद कंपनी को इसकी इजाजत दी गई है कि वह इसका ट्रायल करे कि भारत में ये कितना असरदार होगी। बिहार में 632 चयनित शिक्षकों का सर्टिफिकेट निकला फर्जी, प्राथमिकी दर्ज। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। अब तक कुल 632 चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों पर सरकार एक्शन के मूड में है। नियोजन इकाइयों द्वारा 49,348 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सभी प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है। इस दौरान 632 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, वैसे अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इन प्रमाण पत्रों में 64% अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। नालंदा में 63 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। वहीं बक्सर में 121, सारण में 23, नवादा में 42, बेगूसराय में 19 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे पर सड़क पर उतरे इंजीनियर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीते बुधवार को राष्ट्रीय अभियंता दिवस था और उसी दिन जूनियर इंजीनियर अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे थे। बीते बुधवार को सुबह से ही पटना में मौसम का मिजाज बदला हुआ था। लगातार हो रही बारिश के बीच जूनियर इंजीनियरों ने अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कनीय अभियंता, जेडीयू और बीजेपी कार्यालय भी गए, लेकिन
जब उनकी सुध किसी से नहीं मिली तब कार्यालय के बाहर वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जूनियर इंजीनियरों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जब किसी ने उनकी सुध नहीं ली तब जूनियर इंजीनियर्स आरजेडी पार्टी दफ्तर पहुंच गए। राजद कार्यालय पहुंचते ही जूनियर इंजीनियरों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। नारेबाजी को सुनकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय से बाहर निकले और सभी कनीय अभियंताओं से बातचीत की। सभी कनीय अभियंताओं को उन्होंने पार्टी कार्यालय में बैठाया और उनकी मदद के लिए हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर, नीतीश सरकार के फैसले से लगा बड़ा झटका, नहीं बन पाएंगे हेडमास्टर। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर है, नीतीश सरकार के फैसले से टीएटी पास हजारों नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है, क्योंकि ये सभी हेडमास्टर बनने की रेस से बाहर हो गए हैं। क्योंकि सरकार ने जो मापदंड तय किया है उससे बिहार के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में अधिकांश शिक्षक छट जाएंगे। नीतीश सरकार के इस फैसले से हजारों नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है। गौरतलब हो कि बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पहली बार 2011 में हुई थी, जिसका रिजल्ट साल 2012 में आया। उस समय ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों ही कोटि के अभ्यर्थियों के टीईटी में बैठने का प्रावधान था। यही वजह रही कि उसमें ट्रेंड के साथ ही बड़ी संख्या में अनट्रेंड बैठे और पास हुए। ऐसे अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया साल 2013 में शुरू हुई, लेकिन बहाल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम रही। साल 2014 में जब कैंप मोड में बहाली हुई तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बहाल हुए। बाद में अनट्रेंड शिक्षकों के लिए संवैधानिक ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई। ट्रेनिंग पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उसमें ट्रेनिंग की परीक्षा हुई। विभिन्न सत्रों की परीक्षा बैठे शिक्षकों का रिजल्ट साल 2018 के बाद आया। पहली से पांचवी क्लास के ऐसे शिक्षक प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए इसीलिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए 8 वर्षों के शिक्षक अनुभव की अनिवार्यता है। अनट्रेंड रहते हुए टीईटी पास होकर पहली से पांचवी क्लास के शिक्षक जिनकी ट्रेनिंग संवैधानिक अवकाश पर हुई, प्रधान शिक्षकों की बहाली इसीलिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए शिक्षक अनुभव प्रशिक्षण की तिथि से माना जाना है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। बिहार में सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति भी रुकी पड़ी है। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मध्य अब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारों को 2 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वह प्रोन्नति में एससी एसटी को आरक्षण की अनुमति देने वाले अपने फैसले पर दोबारा सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि राज्यों को यह निर्णय करना है कि वह कैसे इसे लागू करेंगे। विभिन्न राज्यों में प्रोन्नति में एससी एसटी को आरक्षण देने में आ रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई के 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकारों के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को निर्देश दिया है कि वे अब उन मुद्दे की पहचान करें जो उनके लिए अनूठे हैं और 2 सप्ताह में ऐसे मामलों की जानकारी दें। इनके साथ ही मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह नागराज और जनरल सिंह मामले को फिर से नहीं खोलेगा। मालूम हो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में एससी एसटी की प्रोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया था। आधी रात को आया जेई मेंस का रिजल्ट, टॉपर लिस्ट में बिहार का वैभव शामिल। देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा जेई मेंस का रिजल्ट जारी हो गया है। मंगलवार की आधी रात जेई मेंस का रिजल्ट जारी हुआ है। रात को तकरीबन 1:15 पर रिजल्ट जारी हुआ है। जेई मेंस का परीक्षा में कुल 44 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 100% हासिल किया है। कुल 18 छात्रों को पहली रैंक मिली है, जिनमें बिहार के वैभव का नाम भी शामिल है। टॉपर लिस्ट के 18 छात्रों में से 3 राजस्थान से हैं। राजस्थान से सिद्धांत मुखर्जी, मृदुल अग्रवाल और अंशुल वर्मा टॉपर की लिस्ट में शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा छात्र आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के कुल 4 छात्रों ने टॉपर लिस्ट में जगह बनाई है, जबकि बिहार के अलावे चंडीगढ़ के 1, पंजाब के 1, कर्नाटक के 1, महाराष्ट्र के 1 छात्र को टॉपर लिस्ट में जगह मिली है। दिल्ली के 2 छात्रों ने टॉपर लिस्ट में जगह बनाई है, जबकि यूपी के 2, राजस्थान के 2, तेलंगाना के 2 छात्रों को टॉपर लिस्ट में जगह मिली है।
पंचायत चुनाव के दौरान भी चलते रहेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने की ऐसी व्यवस्था, चुनाव किसी भी तरह के हो लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चुनाव के कारण प्रभावित होती है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव के बावजूद इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के दौरान राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की निरंतर व्यवस्था जारी रखने को लेकर विशेष व्यवस्था में विभाग जुट गया है। इसको लेकर रणनीति बन रही है। पंचायत चुनाव और स्कूलिंग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई भी जाती है तो तरीका ऐसा हो कि स्कूलों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षा विभाग इस प्रयास में जुट गया है कि डेढ़ साल कोरोना काल में बाधित हुई बच्चों की पढ़ाई अब अगले 4 माह चुनाव की वजह से न रुक जाए। अब बिहार में सरकारी जमीन बेचकर धोखाधड़ी करना नहीं होगा आसान। नीतीश सरकार ने बनाया है जबरदस्त मॉडल। बिहार में अक्सर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती होंगी कि यात्रियों ने सरकारी जमीन निजी हाथों में बेच डाली, लेकिन अब बिहार के अंदर ऐसा करना आसान नहीं होगा। अब कोई भी जालसाज सरकारी जमीन बेच नहीं पाएगा, सरकारी जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं होगी। अगर सरकार खुद किसी जरूरतवश रजिस्ट्री करना चाहे तो उस पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य के सभी सरकारी भूखंडों की जानकारी निबंधन विभाग को देगा। निबंधन विभाग उस प्लॉट की जानकारी जिलावार अपने कार्यालयों को भेज देगा और उस भूखंड की रजिस्ट्री बिना सरकारी अनुमति के नहीं होगी। सरकारी जमीन पर विवाद का मुकदमा हारने पर लापरवाह कर्मियों से राशि वसूलने का आदेश देने के बाद राजस्व विभाग का विवाद कम करने का यह नया फंडा है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने क्षेत्र के सभी सरकारी भूखंडों की सूची बनाने का आदेश सभी अंचलों को दे दिया है। इससे जुड़ा पत्र सभी DM को दिया गया है ताकि वह पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा सके। पटना में DL का बैकलॉग खत्म, पेपर आने से स्मार्ट कार्ड की प्रिंटिंग हुई तेज। पटना के DTO में पेपर का नया लॉट आने से स्मार्ट कार्ड की प्रिंटिंग तेज हो चुकी है। इससे बैकलॉग खत्म हो गया है और उन सभी लोगों का DL और RC प्रिंट हो चुका है जो लगभग 1 महीना से अधिक समय से इसके नहीं पहुंचने के कारण परेशान थे। पिछले सप्ताह इन लोगों के घर DL और RC पोस्ट से डिस्पैच कर दिया गया है और अब लोगों को यह मिलने भी लगा है। DTO कार्यालय के मामले से जुड़े अधिकारी और कर्मियों की माने तो अगले 3-4 दिनों में सभी लोगों को उनका DL और RC उनके घर पर मिल जाएगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।